भोजपुर जिले की कार्यशात के बुद्ध विहार आश्रम में प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला एवं प्रखंड कार्यकारिणी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया। वहीं बैठक में मुख्य रूप से शिक्षकों की गंभीर समस्याओं पर चर्चा किया गया। वहीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने महिपाल जी एवं संजय पांडे को कल्याण संघ की सदस्यता भी ग्रहण कराई। इस बैठक में गठित प्रखंड कार्यकारिणी पीरो संदेश सहार एवं शाहपुर के सदस्य शामिल हुए। प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह की उपस्थिति में जिले के शिक्षकों की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया और समस्याओं के निदान हेतु योजना बनाई गई। प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने पीरो के शिक्षक महिपाल सिंह, उदवंत नगर के शिक्षक संजय कुमार पांडे एवं अशोक कुमार को विधिवत रूप से सांगठनिक सदस्यता ग्रहण कराई। इस बैठक में जिला महासचिव संतोष कुमार राय, कोषाध्यक्ष सागर कुमार, मीडिया प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, सह मीडिया प्रभारी अमित कुमार, कार्यालय सचिव लाल बहादुर सिंह, संघीय प्रवक्ता जीवन प्रकाश, उपाध्यक्ष बबीता कुमारी, अनुपम सिंह चौहान, आफताब आलम, जिला सचिव रमन कुमार, चंदन कुमार सिंह, कन्हैया सिंह, संदेश अध्यक्ष शशिभूषण, महासचिव मंजीत कुमार, प्रखंड संयोजक रामजी रजक, पीरो प्रखंड अध्यक्ष रविन्द्र कुमार, महासचिव श्याम नंदन शर्मा, शाहपुर प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, महासचिव संजय कुमार पांडे, पीरो जिला प्रतिनिधि प्रियंका कुमारी, महासचिव दीपक कुमार, प्रखंड कोषाध्यक्ष मनोज पाठक, मीडिया प्रभारी सरफराज अहमद, उपाध्यक्ष देवेंद्र राय सहित सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षकों ने कई तरह की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया, जिनमें जिले में 15% एरियर भुगतान की राशि से समय एक साथ पूरे जिले को भुगतान की जाए, शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अधीनस्थ प्रखंड में अपनी उपस्थिति के लिए निश्चित दिन निर्धारित किया जाए जिससे शिक्षक अपनी समस्या उनके समक्ष रख सके, नियोजित शिक्षकों से बार बार एक ही फोल्डर की मांग की जाती है जबकि सभी प्रखंडों के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक फोल्डर फाइल जिला के कार्यालय में अलग अलग बॉक्स में संधारित कर रखा गया है। जब जब पदाधिकारियों की स्थानांतरण किया जाता है तब तब शिक्षकों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से दोहन एवं प्रताड़ित करने हेतु एक हथकंडा अपनाया जाता है जिसमें यथाशीघ्र अंकुश लगाया जाए। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर शिक्षकों ने गहन विचार विमर्श किया। प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ जिला इकाई भोजपुर का आज बैठक है। पटना में प्रदेश कार्य समिति के बैठक के गठन के बाद भोजपुर इकाई का गठन हुआ, उसके बाद विभिन्न प्रखंडों में प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ का गठन हुआ और कार्यक्रम चल रहा है। सदस्यता अभियान पूरे बिहार में कह सकते हैं कि भोजपुर एक अच्छे रफ्तार से काम कर रहा है। बिहार में जिस रफ्तार से हम लोग शिक्षकों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं, शिक्षकों पे जो भरोसा हम लोगों किया जा रहा है, इसके लिए हम बिहार के शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं। खास करके जो भोजपुर की युवा और जुझारू शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये एक संघर्षशील लोगों का साथ है। बिहार से शिक्षकों की जो जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उसके लिए प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ नियमित तरीके से कार्य कर रहा है। उसके निष्पादन के लिए आप देख भी रहे होंगे कि कल्याण संघ के पहल पे विभाग से लगातार चिट्ठियां निकल रही हैं, शिक्षकों की समस्याओं का निदान करने का प्रक्रिया जारी है। चाहे वो एरियर की समस्या हो, चाहे वो स्थानांतरण की समस्या हो, चाहे विभिन्न तरह की जितनी भी समस्याएँ हैं उस पे हम लोग जब सरकार को संज्ञान में लाते हैं तो कल्याण संघ की बातों को सरकार को मानना पड़ रहा है। और आज बैठक है इस बुद्ध की पावन धरती पे, इसलिए आज सभी लोगों के साथ आने का एक प्रोग्राम। शिक्षकों का कई गुट इसमें काम कर रहा है जो कहता है कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए हम आगे आते हैं। आपका संघ कितना आगे है और क्या कुछ इसके बारे में विस्तृत? शिक्षक संगठन तो बहुत सारे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत सारे गुट हैं भी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ एक ऐसा शिक्षक संगठन है जिसमें तमाम कोटि के शिक्षक, चाहे वो नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, नए नवनियुक्त शिक्षक हो, सबों का एक मात्र संगठन अगर कह सकते हैं पूरे बिहार में अगर कोई है तो प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ है। और वो पूरी ईमानदारी से सभी शिक्षकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, न कि सिर्फ हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके लिए। शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देख भी रहे होंगे विगत 2006 से जो सरकार ने एक गलत पॉलिसी लाया कि हम नियोजित शिक्षकों को बहाल करेंगे, बिहार के शिक्षकों को डाइंग कैडर बनाने का जो सिस्टम सरकार ने लाया उसके विरोध में लड़ाइयाँ बहुत सारी चल रही है, चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक चली गई।
लेकिन फैसला हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है। लेकिन कल्याण संघ का प्रयास है कि बिहार के तमाम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सर्वप्रथम राजकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन को प्राप्त कराने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं, और शिक्षकों का उत्साह और जोश के साथ जो साथ मिल रहा है, हम आशान्वित हैं कि 2024 से पहले हमें वो प्राप्त हो जाएगा। प्रसिद्ध आनंद मिश्रा, प्रदेश महासचिव प्रारंभिक शिक्षक। देखिए जिला आज प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ की जिला कार्यकारिणी और प्रखंड कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक यहाँ रखी गई है, और जिले के विभिन्न समस्याओं को, जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम लोग विचार किए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का निदान करेंगे हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला तक। जो समस्याएं राज्य की होंगी उन्हें राज्य में भी भेजा जाएगा, और हम शिक्षकों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। परिचय दीजिए। शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ भोजपुर जी। आज की बैठक में एरियर भुगतान, बार बार फाइल फोल्डर मांगना आदि कई प्रकार के समस्याओं से हमारे प्रखंड प्रभारियों के द्वारा जिला कमेटी को अवगत कराया गया। हम लोग इस संबंध में पहले भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक बार मिल चुके हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसका समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा, और हम लोग अगले सप्ताह में भी एक शिष्टमंडल के साथ वहाँ पर मिलने वाले हैं, और हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा। और आज की बैठक एक औपचारिक बैठक के रूप में यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ हमारे संघर्षशील शिक्षक साथी जो अभी तक हमारे संघ के सदस्य नहीं थे औपचारिक रूप से, उनको यहाँ पर हमारे आनंद मिश्रा सर जो राज्य कार्यकारिणी के प्रधान सचिव हैं उनके द्वारा उनको सदस्यता दिलाई गई। उसमें हमारे माननीय महिपाल जी और संजय कुमार पांडे जी, दो यहाँ पर प्रमुख शिक्षक साथी, आज सदस्यता ग्रहण किए हैं। उनको हम संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संतोष कुमार राय, जिला महासचिव।